हे गाइस एंड व्हाट्स अप। तो क्या हाल चाल है आप सबके? आई होप कि जैसे भी हो बहुत सही हो। तो गाइस आज की जो स्टोरी है वो हमसे शेयर करी है रोहित ने। तो थैंक यू सो मच रोहित फॉर शेयरिंग योर स्टोरी विद अस एंड नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रोहित जो कि हिमाचल का रहने वाला है, रोहित पूरा टाइम मतलब बचपन से लेके बड़े होने तक वो हिमाचल में ही रहा है, वहीं पला बड़ा है सब कुछ। और एकदम अचानक से रोहित को अब जॉब के लिए बाहर जाना पड़ता है। अब रोहित की जॉब लगती है जो कि लगती है नोएडा में। तो रोहित को अब हिमाचल से नोएडा जाना पड़ता है। रोहित हिमाचल से नोएडा जाता है। रोहित अभी तक कभी भी हिमाचल से दूर नहीं गया था, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा अगर कहीं गया था तो वो चंडीगढ़ था। पहली बार वो दिल्ली में आया था, पहली बार वो दिल्ली से आगे जाके नोएडा में गया था। इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतनी चकाचौंध, रात को लोगों का बाहर निकलना, क्लबिंग, ये वो पहली बार रोहित एक्सपीरियंस कर रहा था। बट उसको ये सब पसंद नहीं आता था, उसको तो अपना गाँव ही पसंद था। वहीं पर गाँव की खेत, वहीं की लाइफस्टाइल और वहीं की हर चीज़। रोहित का कुछ खास मन लगता नहीं था। बट जॉब एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें तुम्हारा मन लगे ना लगे तुम्हें वो करनी पड़ती है। इट्स मोर लाइक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि हर एक इंसान को करनी पड़ती है। तो रोहित भी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहा था। वो आ चुका था नोएडा में, उसने एक फ़्लैट लिया था जो कि एक छोटा सा ही फ्लैट था, 1 BHK टाइप था। और वहाँ पर रोहित अकेले ही रहा करता था, ऑफिस जाता था, फिर वापस आता था फ्लैट में। वहीं उसने लंच बॉक्स लगा के रखा था, मतलब फ्लैट के आसपास ही एक शॉप थी जो कि खाना रोज रोहित को दे देती थी, ब्रेकफास्ट और डिनर। लंच वो अपने ऑफिस में कर लेता था। तो ऐसे करते करते उसके काफ़ी टाइम निकल गया था। और अब दिवाली का टाइम आता है, दिवाली का टाइम आता है तो रोहित अपने वापस हिमाचल में आ जाता है। थोड़ी सी छुट्टियाँ होती है और थोड़ी छुट्टी लेकर हिमाचल आ जाता है। हिमाचल में है मतलब वही 10-12 दिन होते हैं, तो बहुत अच्छे से उसके निकलते हैं 10-12 दिन हिमाचल में ही अपने घर वालों के साथ, अपनी वही लाइफस्टाइल। रोहित के पास 2 गाय होती है, उनको घास चराना, उनको घुमाना, यहाँ वहाँ जो भी करना होता है वो सारा काम करके रोहित बहुत खुश था। देखते देखते 12 दिन बीत जाते हैं। अब रोहित वापस से उसको मतलब नोएडा आना है, तो वो क्या करता है कि अब बुकिंग कर देता है। तो HRTC की बस होती है, तो हिमाचल से अगर आपको दिल्ली जाना है, कहीं पर भी जाना है, तो एक HRTC होती है, हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट। तो ये जो HRTC की बस होती है हिमाचल की होती है, गवर्नमेंट बस, और मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया यही होती है। और फिर बाकी वॉल्वो ये सब जो प्राइवेट बसें चलती है वो होती है। तो रोहित HRTC करता है और निकल पड़ता है। फिर रोहित बस में बैठ जाता है। अब घर वाले भी उसे छोड़ने आए होते हैं, रोहित भी काफ़ी इमोशनल होता है घर वालों से। वैसे ही कभी मतलब दूर तो रहा ही नहीं ना बचपन से, और ये सेकेंड टाइम हो रहा होता है कि वो वापस अब उन्हें छोड़कर अपने वापस से ऑफिस की तरफ जा रहा है। बाय बाय होती है, रोहित थोड़ा इमोशनल होता है और अब चल पड़ती है बस। तो अब जब बस जा रही है तो इस बस में बहुत कम पैसेंजर्स है, मतलब नॉर्मली इतने कम होते नहीं है, मतलब ऐसा समझ लो 2-3 ही थे और रोहित था। अब आजकल क्या होता है प्राइवेट बसेस ये सब इतना चल पड़ा है कि सब HRTC से थोड़ा कम ही जाते हैं लोग, तो ये भी शायद रीज़न होगा उस टाइम पर। और ऊपर से उस टाइम ऐसा कुछ खास ओकेज़न नहीं था कि लोग ज़्यादा ट्रैवल करें, तो जो भी रीज़न था, अब रोहित बस में अकेला बैठा हुआ है और उससे थोड़ी सी आगे सीट में एक औरत बैठी हुई है और पीछे एकदम लास्ट वाले में एक आदमी बैठा है जो कि बैठा भी क्या लेट ही है वो, क्योंकि खाली बस है, वो अपना लेट गया आराम से, बस चल रही है चल रही है। तो नॉर्मली अगर आपको हिमाचल से नोएडा पहुंचना है तो मतलब ISBT कश्मीर गेट में आपको बस उतार देती है, या फिर थोड़ी सी और आगे एक और है। तो रोहित को नॉर्मली लग जाते हैं मतलब 10 घंटे, ये जस्ट अभी की बात नहीं, अभी तो टनल बन गया तो मतलब 7 घंटे में हो जाता है, 7-8 घंटे में, बट उस टाइम पे 10 घंटे लगते थे। तो 10 घंटे लगते हैं तो रोहित भी काफ़ी थका हुआ है, करीबन 4 घंटे बीत जाते हैं और 6 घंटे का सफ़र होता है कि बीच में एक स्टॉप आता है, एक स्टॉप आता है जो कि चंडीगढ़ से थोड़ी सी पीछे ही होता है। और वहाँ पे एक औरत होती है जो कि उस बस में चढ़ती है, ठीक है। रोहित अभी मतलब गाने वाने सुन रहा है ईयरफोन डाल के, और उसकी आंखें मतलब जब वो नहीं होता तुम्हें एक नींद आ भी रही है बट तुम्हें नींद भी आ रही, वैसी वाली हालत होती है क्योंकि बस बार बार रुक रही है, चल रही है, धक्के ये वो, तो उसकी नींद खुल जा रही है बट उसे नींद भी आ रही है। तो रोहित उस औरत को देखता है जो बस में अभी चढ़ी है, और वो देखता है कि उस औरत का जो पहनावा है वो थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट है, मतलब कि उसने यहाँ तक घूंघट पहना हुआ है, पूरा घूंघट है, ठीक है, काले रंग का, एकदम काले रंग का, पूरी साड़ी पहनी हुई है काले रंग की, और यहाँ पे अजीब सा कुछ निशान है, निशान बोलो या फिर समझ नहीं आ रहा था क्या, एक तो रात है ऊपर से उसने पूरा चेहरा ढका हुआ है बट यहाँ पे कुछ तो था अजीब सा। और फिर वो चल भी अजीब तरीके से रही थी, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बूढ़ी सी है, शक्ल दिख नहीं रही थी तो इतना पहचान भी नहीं पा रहा था रोहित, बट वो ऐसे सीट को पकड़ पकड़ के धीरे धीरे चल रही थी। धीरे धीरे वो चलती है चलती है, और रोहित के जो बगल वाली सीट होती है, मतलब नॉट जस्ट बगल वाली बट बस में क्या होता है दो जगह ऐसे होती है ना, इस साइड और इस साइड 2 होती है और इस साइड 3 होती है, तो ये वाले में रोहित बैठा हुआ था, इसके जस्ट अपोजिट मतलब ये वाली जो है इधर वो औरत बैठ जाती है। अब वो बैठी हुई है और रोहित भी अपना नॉर्मली गाने वाने सुन रहा है,
तो वो औरत ने रोहित को देखे जा रही है, मतलब ना सामने देख रही है ना कुछ, सीधा रोहित को डायरेक्ट देख रही है। रोहित को बड़ा अजीब सा लग रहा है, रोहित ऐसे मतलब ऐसे सर घुमा के नहीं देख रहा, बट वो आंखों से ऐसे थोड़ा इस सेट करके वो देख रहा है कि क्या हो गया भाई आंटी को, आंटी ऐसे क्यों देख रही है मुझे कुछ। पहली बार तो उसे ऐसा लगता है छोड़ो इग्नोर करो, बट वो देख ही जा रही है, देख ही जा रही है। ओके, रोहित अब थोड़ा सा उसे भी अजीब लगने लगा। एक तो उन्होंने घूंघट पहना हुआ है, तो मतलब तुम बोल भी कह सकते हो कि मुझे क्यों देख रहे हो, बोलेंगे मैं तो सो रही थी, मैं तो देख ही नहीं रही तुम्हें। बट पता नहीं क्यों रोहित को ऐसी फील आ रही थी, तुम्हें एक एक वो आ जाती है अंदर से कि अगर तुम्हें कोई देख रहा हो या घूर रहा हो ऐसे अजीब से, तो तुम्हें फीलिंग आ जाती है, और वही रोहित को आ रही थी। रोहित ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है, तब वो एकदम से औरत आती है और उसका ना ईयरफोन निकाल देती है। मतलब रोहित ने तो ईयरफोन पहना हुआ था, वो तो अब अपनी धुन में था, तो एकदम से ईयरफोन निकालता है। रोहित देखता है क्या हुआ, तो देखता है कि औरत जस्ट उसके बगल में खड़ी है। रोहित एकदम से डर जाता है भाई कि क्या एकदम से बगल में खड़ी है, मतलब होता नहीं एकदम से तुम आंख खोलो और कोई सामने खड़ा मिल जाए, तो रोहित के पास एकदम डर डर निकल जाता है। तो रोहित पूछता है कि आंटी जी कुछ आपको मदद चाहिए, क्या हुआ? तो आंटी जी उससे पूछते हैं कि बेटा ये स्टॉप का एक नाम लेती है कि मतलब चंडीगढ़ से थोड़ी सी आगे वो स्टॉप होता है, कि ये जगह कब आएगी? तो रोहित बताता है आंटी जी अभी तो है थोड़ा टाइम, आप बैठ जाइए मैं आपको बता दूंगा जब वो आ जाएगी। तो बोलती ठीक है बेटा आप मुझे बता देना। ओके, आंटी अब वहाँ बैठ गया, रोहित यहाँ बैठ गया, और शायद अब रोहित को समझ आता है कि वो क्यों घूर रही थी। मे बी आंटी जी को पूछना हो कि ये कब आएगा, बट वो ऐसा ऑकवर्ड फील कर रही हो कि पूछूं कि नहीं पूछूं, और होता नहीं है, तो रोहित को शायद समझ आ रहा था कि अच्छा इसलिए शायद वो मुझे तब से घूरे जा रही थी, देखे जा रही थी। ठीक है, ये बात यहाँ ख़त्म होती है। अब थोड़ी सी आगे चलती है बस, वो स्टॉप आ जाता है। जब वो स्टॉप आता है बस वहाँ पर रुकती है, कंडक्टर जो होते हैं वो बोलते हैं कि भाई स्टॉप आ गया, जिसे उतरना उतर जाओ। तो वो आंटी जी मतलब ऐसे उन्होंने घूंघट पहना हुआ है और वो कोई रिएक्ट नहीं कर रही, वो नहीं उतर रही, तो रोहित को लगता है शायद सो गई होंगी। तो वो जाता है और आंटी को ऐसे उठाता है कि आंटी जी आंटी जी। आंटी एकदम से उठते हैं, हाँ क्या हुआ? आंटी जी आपका स्टॉप आ गया, आप उतर जाइए, यही आपका स्टॉप था ना, यहीं उतरना था आपको। हाँ यही उतरना था, थैंक यू बेटा थैंक यू, ऐसे बोल के उतरती है। और जाते जाते ना रोहित को एक मिठाई सी दे देती है, बोलते हैं कि मेरी तुमने इतनी मदद करी और ये लो बेटा तुम ये रख लो, मैंने अपने बच्चों में भी बांटनी है, तो तुम भी मेरे बच्चे जैसे हो, तुम ये रख लो। और ये बोल के आंटी चले जाती है, रोहित ने भी मिठाई पकड़ी है। अब मना भी नहीं कर सकता कि इतने दिल से दिया है, उन्होंने बातें ऐसी करी कि मैंने अपने बच्चों के लिए रखी है, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी, तुम भी मेरे बच्चे जितने हो ये लो रख लो। रोहित भी कुछ बिना सोचे समझो मिठाई एक्सेप्ट कर लेता है, आंटी जी चले जाती है। अब रोहित ऐसे देख रहा है, शीशे से देख रहा है, आंटी जी मतलब आंटी जी उतरी है, सामने वाले गेट से उतरी है और आके खड़ी हो गई है और बस को ऐसे देख रही है, मतलब बस को क्या सीधा रोहित को ही देख रही है खड़े होकर, और रोहित आंटी जी को देख रहा है। ठीक है, पहले तो रोहित ऐसे बाय बाय करता है आंटी को, आंटी अब देख रही है रोहित को। अब रोहित नोटिस करता है कि आंटी जा ही नहीं रही, आंटी खड़ी है और बस देखे जा रही है रोहित को। ओके, रोहित को अब थोड़ा अजीब लगता है, रोहित अपनी नज़रें घुमाता है वापस से अपनी सीट में, आराम से ऐसे बैठता है, सीधा देखने लगता है। थोड़ी देर बाद बस चलने लग जाती है। जब बस चलने लग गई है और फिर रोहित ऐसे थोड़ा सा शीशे से बाहर देखता है, तो देखता है कि अभी भी वो आंटी वहीं खड़ी हुई है और ऐसे मतलब बस को देख रही है। ओके, ये थोड़ा सा अजीब बात थी रोहित के हिसाब से। रोहित अब छोड़ो कुछ नहीं, बैठ गया वापस से ईयरफोन में गाने वाने सुन रहा है। अब मैंने बताया कि काफ़ी लंबा सफ़र है, तो रोहित को थोड़ी सी भूख भी लग गई थी इस टाइम पे, और वो देखते हैं उसके हाथ में मिठाई होती है, तो रोहित ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, वो मिठाई खा लेता है। मिठाई खाने के बाद आराम से अब वो बैठा हुआ है फिर से, मिठाई खाने के जस्ट अभी आधा घंटा ही हुआ होगा, उसे ना बड़ा अजीब सा लगने लग जाता है, बहुत अजीब सा, मतलब उसका पेट घूम रहा है, सर घूम रहा है। रोहित को पहले तो लगता है कि शायद ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो बस में बैठा है, क्योंकि बस में उसका वैसे ही काफ़ी लंबा सफ़र था और उसमें बहुत होता है ना, बस में लोग बैठते हैं तो उन्हें मोशन सिकनेस ये वो होने लग जाती है, तो रोहित को लगा कि ऐसे ही कुछ हो रहा होगा, बट ऐसा नहीं हो रहा होता, वो कुछ अजीब सा होता है, सर में एकदम भयानक दर्द, ऐसी दर्द जैसे कि कोई तुम्हारे सर में जोर जोर से पत्थर मार रहा हो, एकदम से उसके बॉडी की हर एक हड्डी में दर्द होने लग जाती है, जैसे कि कोई तुम्हारी हड्डी ऐसे घुमा रहा हो, मोड़ रहा हो पूरी, बड़ी अजीब सी दर्द थी और बहुत ज़्यादा, मतलब वो सहन करने वाली दर्द नहीं थी। रोहित को समझ नहीं आ रहा कि एकदम से क्या हुआ, उसने तो बस क्या हुआ मतलब मिठाई खाई थी और आधे घंटे पहले वो ठीक था, क्या मिठाई एक्सपायर्ड थी, क्या उसमें कुछ, मतलब रोहित को समझ नहीं आ रहा है, मतलब वो कोशिश कर रहा है सोचने की कि ऐसा क्या हो गया भाई कि इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, कुछ समझ नहीं आता। कैसे कैसे करके वो अपने स्टेशन में पहुँचता है, उतरता है, वो वहीं ICBT में उतर जाता है, वहाँ से कैब बुक करता है, फिर नोएडा, और फाइनली वो अब नोएडा में अपने फ्लैट में है, और अब उसे समझ नहीं आ रहा, अब उसको बहुत दर्द हो रही है, वही दर्द उसके कॉन्टिन्यूसली हुए जा रही है, उसके सर दर्द, सर फट रहा है। और मजे की बात तो ये थी कि आज के दिन ही मतलब रोहित सुबह पहुंचता है और सुबह करीबन 5-6 बजे पहुंच गया होगा और 10 बजे उसका ऑफिस है, तो उसके पास मुश्किल से ही 5 घंटे हैं,
और ये इतनी दर्द हो रही है, अब रोहित को समझ नहीं आ रहा है मतलब मैं ऑफिस में भी छुट्टी कैसे मांगूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं 10-12 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ। वो बोलेंगे पागल है क्या भाई, आना ही है तुम्हें तो, और ये तो पहले ही बोल रहे थे वो कि नहीं नहीं तुम्हें आना ही आना है करके। अब रोहित को समझ नहीं आ रहा क्या करे क्या करे। इसी दर्द में वो बेचारा उठता है, वो कपड़े वपड़े पहनता है फिर से ऑफिस वाले, थोड़ा नहाता है मतलब वही फ्रेशन अप वो सब हो के तैयार हो के चले जाता है ऑफिस। ऑफिस में गया, अब उसकी दर्द थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है, थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही है। ऑफिस में जाता है, थोड़ा सा काम करता है। अब ऑफिस में करीबन मतलब छुट्टी होने वाली है, करीबन 1 घंटा बचा है, और अब रोहित ऐसे बैठा और एकदम से फिर से वही दर्द उसको होने लग जाती है। उसके सर में इतनी दर्द कि उसका सर फटने वाला है, वो बस अपने सर ऐसे दबा रहा है, वो पकड़ के बैठा हुआ है और कुछ समझ नहीं आ रहा उसे। उसके दोस्त लोग रोहित को देख रहे हैं, रोहित के पास जाते हैं कि रोहित तू ठीक है, तुझे क्या हो रहा है, ये तू सही नहीं लग रहा भाई, सब सही। रोहित बताते हैं पता नहीं यार बहुत सर फट रहा है, बहुत सर फट रहा है। तो ऑफिस के जो मैनेजर होते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि एक काम करो तुम घर चले जाओ, अभी ऑफिस का काम करने की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ रेस्ट करो, शायद आज तुमने बहुत ट्रैवल कर लिया है, सोए भी नहीं हो, उस वजह से हो रहा होगा सर फट रहा होगा, दर्द हो जाती है। तो ऐसे करता है रोहित, वो चले जाता है अपने घर वापस। ठीक है, अब घर गए और अब वहाँ ऐसे सोने की कोशिश कर रहा है क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा उसे क्या करे, इतनी दर्द ये सब में वो बस सोने की कोशिश कर रहा है। और जब वो सोने की कोशिश कर रहा है ना, तो जब वो आँख बंद कर रहा है उसको पता नहीं क्यों वो औरत दिखाई दे रही है, वही औरत जो उस टाइम बगल में बैठी हुई थी। और रोहित आँख एकदम से खोल देता है, उसे बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये क्या बात हुई, ये मेरे सपने में आ रही थी क्या था, उसको समझ नहीं आ रहा। आँखें उसने जब खोली तो फिर से जब वो आँख बंद कर रहा है मतलब फिर ट्राई कर रहा है, फिर से उसे वही औरत दिखाई दे रही है। फिर वो आँख खोल रहा है, ओके, फिर आँख बंद, मतलब ऐसा नहीं है कि वो सपने में है या कुछ है, सपने में नहीं है, वो सोया ही नहीं है, बस उसने आँखें बंद करी और फिर उसके दिमाग में वही तस्वीर छप गई है, वो औरत उसे ऐसे देख रही है। अब रोहित परेशान हो रहा है कि भाई ये चल क्या रहा है, और अब रोहित की जो दर्द है वो बढ़े जा रही है, अब ऐसा लग रहा है कि कोई उसके शरीर में ऐसे पिन चुभा रहा है, मतलब होता नहीं कि पिन चुभाते तो कैसे एकदम से अजीब सी दर्द होती है, वो दर्द रोहित को होने लग गई है बाजू में यहाँ पे, मतलब ये जो हाथ की फिंगर्स होती है ना यहाँ पे, यहाँ उसे वो ऐसा लग रहा है कि पहले यहाँ चुभाई फिर यहाँ चुभाई फिर यहाँ चुभाई और फिर यहाँ, ऐसा उसे फील हो रहा है। रोहित बहुत ज़्यादा दर्द में है और उसे समझ नहीं आ रहा किसे बोले, वो बस ट्राई कर रहे हो कैसे तो करके उसे नींद आ जाए, वो सो जाए, थोड़ा सा रेस्ट कर ले, बट रेस्ट तो बहुत दूर की बात है, ये दर्द इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अब उससे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो अपने दोस्तों को कॉल कर देता है कि भाई प्लीज़ आ जाओ यार, मेरे को हॉस्पिटल ले चलो, ऐसा बोलता है। तो उस लोग बोलते हैं तू चिंता मत कर, हम आते हैं, तू वहीं है ना, अपने घर पे ही है, बोलता हाँ भाई मैं घर पे ही हूँ। और दोस्त लोग निकल जाते हैं, करीबन 20 मिनट का रास्ता होगा दोस्त के घर से लेके रोहित के घर तक का। अब जब दोस्त आता है, अब वो दोस्त रोहित को कॉल कर रहा है कि भाई तू कहाँ पे रहा है, जल्दी आ जा, मतलब यही बोलने के लिए, बट वो देखते हैं कि रोहित कॉल ही नहीं उठा रहा। अब दोस्त को लग रहा है भाई कहीं कुछ हो ना गया हो यार, बेहोश ना हो गया हो, वो बोल भी ऐसा रहा था बहुत तबीयत ख़राब है ये वो। दोस्त दौड़ते जाता है रोहित के गेट के पास और वो देखता है कि रोहित का गेट खुला है, मतलब कि रोहित का गेट में कोई कुंडी नहीं लगी, कुछ नहीं लगी। तो अंदर चला जाता है सीधा, कि नहीं लगाई होगी उसने कुंडी, ज़्यादा कुछ सोचता नहीं, अंदर चला जाता है और हर जगह ढूंढने लग जाता है, रोहित रोहित कहाँ है तू, रोहित हर जगह ढूंढ रहा है, रोहित का कोई नामो निशान नहीं। और फिर उसकी नज़र पड़ती है जो रोहित का बेड होता है उसके बगल में रोहित ऐसे बैठा हुआ है ऐसे करके और कांप रहा है, बहुत ज़ोर ज़ोर से कांप रहा है। रोहित तुझे क्या हुआ, रोहित तू ठीक है, रोहित का कोई आंसर नहीं है, रोहित बस कांप जा रहा है और चल तेरे को हॉस्पिटल लेके चलते हैं, चल तू उठ। वो उठाने की कोशिश करता है और रोहित उसे ऐसे धक्का देता है अपने दोस्त को। उसका दोस्त, एक नॉर्मल ह्यूमन जब धक्का देगा तो दो कदम दूर तीन कदम दूर, भाई उसका दोस्त वो एकदम इतनी दूर जाके गिरता है जो दूसरी दीवार होती है वहाँ जाके। उसके दोस्त को समझ नहीं आता भाई क्या हो गया, रोहित तू उठ, क्या कर रहा है तू, पागल हो गया क्या, चल तुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। एकदम से रोहित ना उस दोस्त को देख के बोलता है मैं नहीं जाऊँगी, तू कुछ भी कर ले मैं नहीं जाऊँगी। और ये आवाज़ एक औरत की होती है। उसका दोस्त अकेले एक रात के टाइम में अकेले एक ऐसे फ्लैट में है जहाँ का उसे अता पता नहीं है, वो तो उसके दोस्त का है। उस फ्लैट के अंदर पूरा अंधेरा है और सिर्फ वो रोहित है और रोहित ऐसी बातें कर रहा है, लड़की की आवाज़ में कह रहा है मैं नहीं जाऊँगी, तू कुछ भी कर ले मैं नहीं जाऊँगी। उसका दोस्त बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो सीधा भागता है वहाँ से, उसको नहीं समझ आ रहा क्या करे इस टाइम पे, भाई अकेला बंदा ऐसे क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता। भागता है जब एक
पॉइंट पे मतलब ऐसी जगह आ जाता है जहाँ उसे लोग दिख रहे हैं अच्छे से, वो बाकी दोस्तों को कॉल कर देता है कि गाइज ऐसा ऐसा सीन है, रोहित बड़ा अजीब बिहेव कर रहा है, वो उठ भी नहीं रहा, उसने मतलब अजीब सी आवाज़ में बात कर रहा है और बोल रहा है मैं नहीं आऊँगी। सारे दोस्त आ जाते हैं भाई, मतलब देखते देखते कम से कम 20 मिनट में आगे पीछे यहाँ वहाँ से अब इनका ग्रुप आ जाता है, ये करीबन 6-7 लोग हैं। अब जो दोस्त है वो बोल रहा है भाई मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं नहीं जा रहा अंदर, तुम जाके देख कर आओ। ये बोल रहा है भाई तू ही तो बताएगा कहाँ पे घर है, हम कैसे चले जाएंगे, रोहित कॉल नहीं उठा रहा, एड्रेस कहाँ से मिलेगा। ऐसे करते करते इसको भी ले चलते हैं। अब ये 7-8 लोग रोहित के कमरे में जाते हैं और फिर देखते हैं कि रोहित ऐसे ना बैठा हुआ है और बैठे हुए मतलब उसके ना कंधे बहुत हिल रहे हैं ऐसे, मतलब पीछे से अगर देखो तो लग रहा है कि कुछ एक्टिविटी कर रहा है, जैसे कुछ लिख रहा हो या कुछ टाइप कर रहा हो इस टाइप से, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा है कर क्या रहा है। तो रोहित तुझे हमारी आवाज़ आ रही है? रोहित की साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं है, वो बस अपने काम में लगा हुआ है। रोहित तेरी तबीयत ठीक है ना? रोहित फिर कुछ नहीं बोल रहा। अब ये धीरे धीरे पास भी आ रहे हैं, ये अब इन्हें डर भी लग रहा है क्योंकि दोस्त ने बताया कि वो अजीब सी हरकतें कर रहा है। एक दोस्त जाता है, वो लाइट ढूंढ रहा है, लाइट कहाँ है। फाइनली उसे लाइट की वो मिल जाती है जो स्विच होता है, ऑन करता है लाइट। जैसे ही वो ऑन करता है ये सब देख के हैरान, मतलब हैरान के पागल हो जाते हैं देख के। ये देखते हैं कि रोहित के हाथ में चाकू है और वो कुछ तो चीज़ है जिसपे ऐसे मार रहा है। अब ये आठों के आठों दौड़ के जाते हैं कि रोहित तू क्या कर रहा है। उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि वो अपने हाथ ऐसे रख के मार रहा है, बट ऐसा नहीं होता। उसके हाथ में एक गुड़िया होती है, अजीब सी कुछ गुड़िया होती है जिसमें मतलब उसके जो गुड़िया के पैर होते हैं उसे ना बालों से बांधा हुआ है और दोनों पैरों में बाल है और रोहित उसको ऐसे चाकू मार रहा है। ये सब जाते हैं, रोहित को पकड़ते हैं, तू क्या कर रहा है रोहित, पागल है तू, हट जा पीछे हो तू, क्या चाकू छोड़। जिस पर रोहित ऐसे इन सबको बहुत ज़्यादा गुस्से से देखता है। रोहित की आंखें अजीब सी होती है, मतलब लाल कलर की होती है लेकिन बहुत अजीब, बहुत ज़्यादा अजीब, और उसके ऐसे होंठ, ये वाला होंठ ऐसे ऊपर आ गया पूरा और ये वाला ऐसे नीचे चले गया और पूरे दांत दिख रहे हैं। बहुत अजीब सी शक्ल होती है वो, बहुत ही मतलब डरावनी सी शक्ल। ये सब दोस्त आपस में मतलब डर चुके अंदर से पूरी तरीके से, बट अब अपने रोहित को भी नहीं छोड़ सकते। ऐसे दो लोग रोहित का हाथ पकड़ते हैं जिसमें उसके चाकू होता है और दो लोग उसका दूसरा हाथ पकड़ते हैं क्योंकि वो ऐसे हाथ ऐसे मार रहा था, दोनों ऐसे पकड़ लेते हैं। ये 4 लोग हैं। रोहित ना पतला सा है, अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूँ, रोहित एकदम पतला सा है, ऐसा कुछ ऐसे नहीं कि बहुत बॉडी हो कुछ हो जान हो ना, पतला सा लड़का और ये इतने बॉडी बिल्डर टाइप लड़के, 4 लोगों से भी रोहित संभल नहीं पा रहा। और रोहित फिर वही बोल रहा है, छोड़ दे मुझे, जाने दे मेरे को, नहीं तो तुम सबको मार दूंगी। रोहित ऐसे बोल रहा है, ये सब बोल रहे, तू क्या बोल रहा है, मार दूंगी, छोड़ दे, तू पागल हो गया, तू ठीक है? नहीं, रोहित तो भाई अलग ही अजीब सी हरकतें कर रहा है। वो बोल रहा है, छोड़ दे मुझे, मैं मार दूंगी सबको ऐसे कर रहा है। तब ये करते हैं, सारे इसे पकड़ते हैं कैसे तो करके इसको हॉस्पिटल तक ले जाया जाता है। 2 लोगों पे इन पे गाड़ी होती है तो उसे एक गाड़ी में बिठाते हैं। भाई सारे बंदे एक ही गाड़ी में बैठे हुए हैं, मतलब ये 6 बंदे होते हैं, इन अर्टिगा सी होती है, 6 बंदे बैठे हुए हैं और बाकी जो 1-2 होते हैं वो अपनी गाड़ी लेकर आते हैं। इसे हॉस्पिटल कैसे तो कैसे करके ले जाया जाता है। हॉस्पिटल में जब डॉक्टर है ये हालत देखता है, डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा है क्या हो गया इसे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि रोहित चुपचाप बैठा हुआ है, रोहित तड़प रहा है कि छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, वो आवाज़ वही अजीब सी आवाज़। डॉक्टर भी एकदम हिल जाता है देख के, भाई क्या हो गया इसे। उसे लेकर जाते हैं एकदम एमरजेंसी के इसमें, थोड़ी सी उसकी ट्रीटमेंट सब चलता है जो भी होता है, और फिर डॉक्टर इन सबको बताता है कि देखो हमने उसे नींद की दवाइयाँ दे दी है और ये जो हरकतें कर रहा है ये नहीं समझ आ रहा है, मतलब इसकी आवाज़ एकदम बदल जा रही है, ये मार दूंगी यही बोले जा रहा है। और डॉक्टर ना थोड़े से मतलब भूत प्रेत इनमें विश्वास करते थे। डॉक्टर बोलते हैं कि देखो आई नो तुम डॉक्टर के पास आए हो, बट मैं मतलब डॉक्टर हूँ, मेरे जो हाथ में था मैंने किया, बट मैं तुम्हें एक और राय दूंगा कि मतलब एक जगह बताते हैं, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने दोस्त को वहाँ लेकर जाओ, एक बार ले जाओ, क्या पता कुछ और हो जो मतलब डॉक्टर भी ठीक ना कर पाए, क्या पता ऐसी चीज़ हो, तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो मंदिर में ठीक हो जाएगा। ये सब ऐसे ही करते हैं, ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, कुछ नहीं पूछता, क्योंकि इन सबको भी दिमाग में कहीं ना कहीं होता है जो इन्होंने देखा वो नॉर्मल नहीं था। रोहित को पकड़ते हैं, रोहित बेहोश हो गया है, उसको मतलब इंजेक्शन दिए हुए हैं, एक इंजेक्शन से तो उसे कुछ भी नहीं होता, उसे 2-3 इंजेक्शन देने पड़ते हैं तब जाके वो बेहोश होता है। उसे उठाया और ले गए सीधा हनुमान मंदिर। जैसे ही हनुमान मंदिर लेकर जाते हैं, रोहित वहाँ पे फिर से बहुत अजीब अजीब हरकतें करने लग जाता है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मैं भीख मांगती हूँ, मुझे छोड़ दो, लेकिन नहीं छोड़ते, ये ले जाते हैं हनुमान जी के मंदिर। वहाँ पे पंडित जी होते हैं, वो रोहित को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इसके साथ कुछ तो अजीब हुआ है,
वो एक धागा निकालते हैं, वो रोहित के हाथ में बांधते हैं। जब वो रोहित के हाथ में वो धागा बांधते हैं तो रोहित को ना ऐसे वॉमिटिंग सी आने लगती है। और याद है मैंने बताया था कि जब वो बस में बैठा था उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था, जब उसे लग रहा था कि शायद बस की वजह से हो रहा है, एक वॉमिटिंग सी आ रही थी, वो अजीब सा जो लग रहा था उसको पेट में भी, सेम वैसा अब फील हुआ है जब वो इस मंदिर में है। और फाइनली बस में तो नहीं हुई थी बट यहाँ पर वो वॉमिटिंग करना स्टार्ट करता है। वेल जब वॉमिटिंग होती है तो देखते हैं कि उसके मुंह से एक्चुअल में कीलें निकल रही है, 3-4 इतनी लंबी लंबी कील, प्रॉपर कील मुंह से निकलती है उसके। और ये सब होने के बाद रोहित वहाँ पर ही बेहोश हो जाता है। वेल करीबन 1-2 घंटे हुए होंगे, फिर रोहित को थोड़ा सा होश आता है। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि ये सब अभी भी हनुमान जी के मंदिर में ही है, पंडित जी भी वहाँ पर है, इसे बीच में बिठाया जाता है और फिर इसे पूरी चीज़ें बताई जाती हैं। रोहित बोलता है कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया, रोहित को कुछ याद ही नहीं है, कुछ भी याद नहीं। तब पंडित जी बोलते हैं कि बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ था, मतलब तुम्हारी तबीयत कैसे ख़राब होना चालू हुई। तो रोहित बताता है कि एक औरत थी, उन्होंने मुझे ऐसे दिया था खाने को और फिर उसके बाद मैंने वो खाया, तब से मेरी ऐसी तबीयत हो गई थी। पंडित जी बोलते हैं और कुछ, तब रोहित बताता है कि हाँ जब मैं ऑफिस से घर में गया था तो घर में उसको वो औरत दिखाई दे रही थी बार बार आंखें बंद करने पर। वेल आंखें बंद करने के बाद जो बीच में टाइम होता है उसमें रोहित क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं बाहर चला जाता हूँ कहीं ऐसे घूमने टहलने, थोड़ा सा सही लगेगा। और जब वो बाहर टहलने जाता है ना तो उसे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि वो जो औरत है उसके साथ ही चल रही है, साथ ही चल रही है। बट इस बार एक चीज़ अलग थी, जब उसने पहली बार उस औरत को उस HRTC की बस में देखा था तो उसने इतना घूंघट पहना हुआ था, राइट, इस बार उसने अपना घूंघट नहीं पहना है। अब उसका चेहरा देखता है और वो चेहरा बहुत अजीब सा होता है, अजीब सी आंखें, लाल एकदम, उसके भी होंठ ऐसे, ये वाले होंठ ऐसे एकदम ऊपर, ये वाले नीचे, और अजीब से दांत, दांत मतलब एकदम अजीब काले से कलर के, बीच बीच में कहीं कहीं लाल कलर, जैसे कि कोई किसी का वो खून पी रही हो। और ऐसे देख के उस क्रीपी सी स्माइल, बहुत अजीब सी स्माइल रोहित को पास कर रही थी। रोहित कहीं पे भी जा रहा वो बस उसके बगल में ही उसे दिख रही थी। रोहित भाग रहा है, रोहित यहाँ भाग रहा है, वहाँ भगवान जी का नाम ले रहा है, हर चीज़ कर रहा है, फ्लैट वापस आ गया सब चीज़, बट फिर भी उसे पता नहीं क्यों वो ऐसा रहता है उसका पीछा छोड़ ही नहीं रही, वो हमेशा इसके बगल में ही है। और इसी से परेशान आकर रोहित अपने फ्लैट में बैठ जाता है और वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, वो बस आंखें बंद कर दिया, उसने कान बंद कर दिया ताकि उसे कुछ सुनाई ना दे। और फिर वो अपने दोस्त को कॉल करता है कि भाई प्लीज़ आ जा, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है भाई, प्लीज़ आ जा। जिस पे उसका दोस्त जब सुनता है तो आता भी है। और जब तक वो दोस्त आता है तो मतलब आधा घंटा तो बीत ही गया था, 20 मिनट आधा घंटा। और इस 20 मिनट में रोहित को ऐसा फील होता है जैसे वो जो औरत है ना वो रोहित के कान में कुछ बोल रही है। और यही सुनते सुनते रोहित की एकदम से मतलब पूरा जो उसका कंट्रोल होता है अपनी बॉडी से वो छूट जाता है, उसने कान जो ऐसे पकड़े होते हैं, हाथ ऐसे ढीले से हो जाते हैं, आंखें उसकी खुल जाती है। और ये उसकी लास्ट मेमोरी थी, इसके बाद रोहित को कुछ याद नहीं। पंडित जी बताते हैं कि वो जो औरत थी वो कोई नॉर्मल औरत नहीं थी, वो एक डायन थी। अगर आपको डायन के बारे में नहीं पता तो डायन मतलब ब्लैक मैजिक टाइप ही होता है, बट उनके पास बहुत ज़्यादा विद्या होती है, वो किसी का भी रूप ले सकती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब वो बहुत पावरफुल होती है इस टाइप की। तो वो उनका मतलब पंडित जी बताते हैं जो उस डायन का प्लान था, मतलब जो वो करना चाहती थी वो ये था कि वो रोहित की बॉडी को अपने कंट्रोल में लेकर रोहित की अंदर से आत्मा मारकर उस रोहित को अपने कब्जे में लेना चाहती थी। तो ये डायन, ये ब्लैक मैजिक, ये सब क्या करते हैं कि अब आप भी सोचते होंगे ना कि यार ये जो काला जादू करते हैं मोस्टली ऐसा होता है कि फैमिली मेम्बर्स होते हैं या फिर इन्हें उन्हें सामने से किसी से कुछ चाहिए होता है इसलिए करते हैं कि कोई बहुत अमीर दिख गया उस पर कर दिया, उसके पैसे इन पर आ गए, ऐसा होता है, ये तो होता ही है। बट कभी कभी इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए होता तुमसे, कुछ भी नहीं, ये तुम्हें जानते तक नहीं है फिर भी तुम पे काला जादू कर देंगे। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों पर ये काला जादू करते रहेंगे, जितने ज़्यादा लोगों पे परफॉर्म करते रहेंगे सारी चीज़ें, उतने ही ये पावरफुल होते रहेंगे। तो जो डायन थी उसे रोहित से कुछ नहीं चाहिए था, कुछ भी नहीं, बस उसको और पावरफुल होना था, इसलिए उसने रोहित को अपना शिकार बनाया था। कैन यू जस्ट बिलीव इट कि किसी को सिर्फ इस हद तक तड़पाना, मतलब मार ही देना सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें थोड़ी सी और पावर चाहिए, तुम उसको जानते नहीं, तुम्हें उससे कुछ लेना देना ही नहीं है, बट स्टिल यू आर डूइंग दैट। तो रोहित इन सब चीज़ों का शिकार हुआ था। जब वो अब रोहित के हाथ में पंडित जी ने धागा बांधा हुआ है हनुमान जी का, तो रोहित का बताना है कि अब वो ठीक है। और रोहित अपने दोस्तों के लिए बहुत थैंकफुल है, अगर वो नहीं होते तो पता नहीं रोहित का क्या होता,
एक दो दिन और मतलब ऐसी हालत रहती तो रोहित की कन्फर्म डेथ थी। मतलब वो इतनी बुरी हालत हो चुकी थी रोहित की, आज वो किसी गुड़िया में चाकू मारा था, कल को खुद को ही मार रहा होता, ये हालत थी उसकी। उसका कुछ कंट्रोल नहीं था अपनी बॉडी पर। और जो डायन थी, जो भी थी, उसका तो यही था कि भाई इसको कैसे भी करके ख़त्म करो, अपनी पावर बढ़ाओ और फिर कहीं और शिकार करो। रोहित अब ठीक है, रोहित अब किसी अनजान लोगों के हाथ से कुछ नहीं खाता। अनजान तो क्या मतलब, वो बात ही नहीं करता, डर उसके अंदर अभी भी उतना ही है। बट रोहित को एक चीज़ है जो अभी भी सताती है, जो अभी भी रोहित सोचता है तो उसको मतलब घूस बम्स आ जाते हैं, इतनी ज़्यादा हद तक उसे डर लगता है कि रोहित तो ठीक हो गया बट वो जो औरत है वो आज भी फ्रीली घूम रही है। रोहित उसका ना तो पहला शिकार था ना ही आखिरी। रोहित जैसे बहुत लोग होंगे जो उस औरत के शिकार हुए होंगे और शायद अभी हो रहे होंगे। रोहित को कुछ कुछ नहीं पता कि वो क्या कर सकता है, ना कोई पुलिस कंप्लेंट कर सकता, क्या करेगा कि एक औरत ने मुझे मिठाई खिलाई है, सेंस नहीं बनती इस बात की। तो रोहित को कुछ नहीं पता वो क्या करे, और मुझे नहीं पता कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ इस बारे में। मतलब यही चीज़ बोल सकता हूँ कि कभी भी किसी के हाथ से ये सब मत खाना। मतलब मैंने इतनी स्टोरी बता दी आपको, ये पहली स्टोरी नहीं आई कि कितने किस्से होते हैं ऐसे, बट स्टिल मैं जब बोलता हूँ कि मेरे को आप अपनी स्टोरी भेज सकते हो तो मुझे आधे से ज़्यादा स्टोरी इसी चीज़ के बारे में आती है कि हमने कुछ खा लिया था, हमारा सामने वाले आए, कुछ ब्लड गिर गया, उसने ले लिया और उसके बाद हमारे साथ ऐसा काला जादू करा। यही मतलब कितनी बार बोल दो, मुझे भी पता है आप सब मतलब किसी को कोई ऑफ़र कर रहा हो सामने से तो मना करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम मतलब बहुत लोग मैंने ऐसे देखे कि वो लेना नहीं चाहते, उन्हें लगता भी है कि यार लेना सही है कि नहीं, लेकिन कोई ऑफ़र कर रहा है उसे मना कर देंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, ये सोच कर ले लेते हैं और ज़्यादा सोचते नहीं है। बट ऐसा मत करो गाइस, सामने वाले को बुरा लगे ना लगे तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा। तो अगर तुम्हें सही में ऐसा अजीब सा लग रहा है, वियर्ड लग रहा है कि क्यों भाई मुझे ऑफ़र क्यों कर रहा है, मेरा तो कुछ लेना देना नहीं है, अगर और तुम सोच रहे हो कि बुरा भी ना लगे उसको, तो एक्सेप्ट कर लो बट खाओ मत। बोल दो कि मैं थोड़ी देर बाद खाऊंगा, अभी मन नहीं है, अभी भूख नहीं है, अभी मैंने ये खा लिया वो खा लिया, जो भी बहाना दे सकते हो दे दो, एक बार वो चले जाए भाई चीज़ को साइड रखो और ख़त्म करो बात, कोई ज़रूरत नहीं है खाने की। अनजान आदमी उसे ऑब्वियसली तुम्हें एक फील तो आई जाती है ना, एक वाइब आ जाती है कि ये क्यों दे रहा है मुझे, ये कोई मतलब बनता है देने का। और मुझे नहीं पता क्यों बट ये चीज़ें बहुत ही कॉमन है। मतलब मेरे को इतनी सारी स्टोरीज आती है इस चीज़ से रिलेटेड कि हमारे साथ ऐसा हुआ ये, और हर चीज़ की शुरुआत यहीं से होती है कि एक अनजान आदमी आया, अनजान औरत आई, उसने हमें ये खिला दिया। तो पता नहीं, बट अगर तुम मेरी ऑडियंस हो और यहाँ तक सुन रही हो तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करना कि मत लेना चाहे कुछ भी हो जाए। सो या दैट्स इट फॉर टुडे, फिर मिलते हैं हम किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।